नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बिलासपुर से ओखा तक चलने वाली बिलासपुर ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बिलासपुर ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका ट्रेन नंबर है 22940। ये जो ट्रेन है बिलासपुर ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हफ्ते में एक दिन चलती है। बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ का स्टेशन है, यहाँ से यह ट्रेन जो है हर सोमवार को ओखा गुजरात के लिए रवाना होती है और बिलासपुर से ओखा की जो दूरी है तकरीबन 32 घंटे 5 मिनट में कवर करती है। इसके तकरीबन 27 स्टेशन से 1868 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 58 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। तो आगे बात करते हैं इसके रूट मैप के बारे में। तो ये जो ट्रेन है बिलासपुर से अपनी यात्रा जो है स्टार्ट करती है, फिर दुर्ग जंक्शन होते हुए ये ट्रेन जो है गोंदिया होते हुए नागपुर जंक्शन में पहुंचती है। नागपुर के बाद वर्धा, बडनेरा, अकोला, भूसावल होते हुए ये ट्रेन जो है नंदूरबार में पहुँचती है। नंदूरबार के बाद सूरत, भरूच होते हुए ये ट्रेन जो है वडोदरा के थ्रू अहमदाबाद जंक्शन में पहुँचती है। अहमदाबाद जंक्शन के बाद विरंगम जंक्शन, सुरेंद्र नगर जंक्शन, वनखानेर जंक्शन, राजकोट, हापा, जामनगर होते हुए ट्रेन जो है द्वारका के थ्रू ओखा में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें बिलासपुर ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो बिलासपुर जंक्शन से ओखा गुजरात तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कन्फर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट AC का बिलासपुर से ओखा तक का जो टोटल टिकट किराया है वो है 4825 रुपये, जिसमें 4460 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है, GST चार्ज 230 रुपये है, टोटल किराया 4825 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। सेकंड AC की बात करें तो सेकंड AC का बिलासपुर से ओखा तक का जो किराया है वो है 2830 रुपये, जिसमें 2600 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 135 रुपये है, टोटल किराया 2830 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। बाकी थर्ड AC इकोनॉमी की बात करें तो थर्ड AC इकोनॉमी का बिलासपुर से ओखा तक का जो किराया है वो है 1855 रुपये, जिसमें 1681 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 90 रुपये के करीब है, टोटल किराया 1855 रुपये बिलासपुर से ओखा तक का बनता है। बाकी स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 8 कोचेज़ हैं, जिसका बिलासपुर से ओखा तक का किराया है 750 रुपये, जिसमें 700 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज शामिल है, टोटल किराया 750 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। बाकी इसमें 3 कोच जो है जनरल डिब्बों के भी हैं। जनरल डिब्बों की बात करें तो बिलासपुर से ओखा तक का जनरल डिब्बों का किराया है वो है तकरीबन 440 रुपये के करीब। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं बिलासपुर ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। बिलासपुर ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 22940, बिलासपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ से ये ट्रेन जो है हर सोमवार को सुबह 10:45 पर 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 32 घंटे 5 मिनट बाद ओखा गुजरात में शाम के 6:50 पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 27 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन है वो है रायपुर जंक्शन छत्तीसगढ़, यहाँ पर ट्रेन जो है दोपहर के 12:35 पर पहुंचती है और 12:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद दुर्ग जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:35 पर पहुँचती है और 1:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है गोंदिया जंक्शन महाराष्ट्र में दोपहर के 3:32 पर पहुँचती है और 3:34 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र में शाम के 5:40 पर पहुँचती है और 5:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 412 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। वर्धा जंक्शन महाराष्ट्र में ट्रेन जो है शाम के 6:48 पर पहुँचती है और 6:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है,
दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 491 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। भंडेरा जंक्शन महाराष्ट्र में ट्रेन जो है रात के 8:42 पे पहुंचती है और 8:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 586 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अकोला जंक्शन महाराष्ट्र में रात के 9:42 पे पहुंचती है और 9:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 665 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद भुसावल जंक्शन महाराष्ट्र में ट्रेन जो है रात के 11:50 पे पहुंचती है और 11:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 804 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जलगांव जंक्शन में पहुंचती है। जलगांव जंक्शन में पहुंचने का समय है रात के 12:27 पे और 12:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अमलनेर महाराष्ट्र में ट्रेन जो है रात के 1:38 पे पहुंचती है और 1:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 884 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है AN। इसके बाद बिलासपुर ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है नंदूरबार जो कि महाराष्ट्र का आखिरी स्टेशन है यहां पर रात के 3:05 पे पहुंचती है और 3:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहां पर नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद सूरत रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है सुबह 5:42 पे पहुंचती है और 5:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अहमदाबाद बोरीवली एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है भरूच जंक्शन गुजरात में सुबह 6:41 पे पहुंचती है और 6:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1200 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है वडोदरा जंक्शन गुजरात में पहुंचती है सुबह 7:42 पे और 7:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1270 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है यहां तक यात्रा। इसके बाद बिलासपुर ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है आनंद जंक्शन गुजरात में सुबह 8:20 पे पहुंचती है और 8:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। नादिया जंक्शन गुजरात में ट्रेन जो है सुबह 8:37 पे पहुंचती है और 8:40 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में पहुंचती है सुबह 9:30 पे और 9:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1370 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद विरंगम जंक्शन गुजरात में ये ट्रेन जो है सुबह 10:41 पे पहुंचती है और 10:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1434 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सुरेंद्र नगर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:46 पे और 11:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1500 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। वनखानेर जंक्शन गुजरात में ट्रेन जो है दोपहर के 12:42 पे पहुंचती है और 12:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1574 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। राजकोट जंक्शन गुजरात में ट्रेन जो है दोपहर के 1:42 पे पहुंचती है और 1:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद बिलासपुर ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है हापा रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 3:08 पे पहुंचती है और 3:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1693 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जामनगर रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 3:24 पे पहुंचती है और 3:29 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1700 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद खंबलिया रेलवे स्टेशन गुजरात में ट्रेन जो है शाम के 4:17 पे पहुंचती है और 4:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1755 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। खंबरिया के बाद ये ट्रेन जो है द्वारका रेलवे स्टेशन पे शाम के 5:46 पे पहुंचती है और 5:51 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद
बिलासपुर ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन ओखा रेलवे स्टेशन गुजरात में शाम के 6:50 पर पहुंचती है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो यात्रा है ये 1868 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ बिलासपुर ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।